हेलो गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपके लिए 2022 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप 6 नए फीचर्स लेके आने वाला है अगले साल। अभी जो 6 फीचर्स है ये बहुत काम के फीचर्स हैं। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिनको आप मिस आउट करोगे या फिर मैं बोलूं कि आप उनको यूज नहीं करने वाले हो। एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स देते रहता है अपने ऐप को, और जो भी लोगों की जो फीडबैक होती है उनको सुन के वो उस पर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो गाइज अगर आपने अभी तक कूप पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए, क्योंकि सारे टेक के अपडेट्स आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है व्हाट्सएप लॉगआउट का। अभी ये व्हाट्सएप लॉगआउट क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर आपने व्हाट्सएप में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन, उसकी जगह व्हाट्सएप लॉगआउट आने वाला है। ये व्हाट्सएप लॉगआउट काम कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से आपने फेसबुक मैसेंजर या फेसबुक में देखा है कि व्हाट्सएप को आप अलग अलग डिवाइसेज से लॉग आउट कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से व्हाट्सएप लॉगआउट भी काम करने वाला है। और गाइज ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आप किसी डिवाइस पर व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आप उसको लॉग आउट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये आप ट्रैक भी कर सकते हो आपकी किस डिवाइसेस में आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो खुला हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप ने मल्टी डिवाइस सपोर्ट ऑन कर दिया है अपने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। तो ये बहुत ही काम का फीचर है जो कि हमें अगले साल देखने को मिलने वाला है। अब नेक्स्ट फीचर जो हमें व्हाट्सएप में देखने को मिलने वाला है वो है इंस्टाग्राम रील्स ऑन व्हाट्सएप। अब इंस्टाग्राम रील्स क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वो इंसान हो जो बहुत ज्यादा रील्स देखते हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो उसके लिए अब आपको व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे ही आपको इंस्टाग्राम रील्स अब आप एक्सेस कर पाओगे, और यकीन मानो ये बहुत काम का फीचर होने वाला है। आपको ऐप स्विच करने की जरूरत नहीं है, चैटिंग करते करते भी आप इंस्टाग्राम रील्स को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों ओन बाय फेसबुक है, तो इस वजह से ये जो इंटर क्रॉस प्रमोशन तरीके का जो ये फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तभी हो पा रही है ये चीजें। अब नेक्स्ट फीचर जो आपको दिखने वाला है अगले साल वो है रीड लेटर का ऑप्शन। अब रीड लेटर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप भी अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपको आर्काइव चैट्स का एक सेक्शन दिखेगा। बेसिकली ये जो रीड लेटर ऑप्शन होने वाला है ये उसका इम्प्रूव वर्जन होने वाला है, जिसमें कि आप कुछ चैट्स होंगे जो आप आर्काइव करते हो उनको आप यहाँ पे रख पाओगे और बाद में इसको आप पढ़ पाओगे, क्योंकि वो चैट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होती हैं, इसलिए इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। होपफुली हमें 2020 के अर्ली में ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। व्हाट्सएप इस पर काम कर रही है और जल्दी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट फीचर ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फीचर है इसका नाम है लास्ट सीन स्टेटस। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ चैट्स को डॉज करता हूँ, अब उसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि इमाम ऑनलाइन आया था और उसने इस चैट को नहीं पढ़ा है। तो व्हाट्सएप बहुत जल्दी ये फीचर लेके आने वाली है जिसमें कि आप चुनिंदा कॉन्टैक्ट से अपनी लास्ट सीन छुपा पाओगे। अब ये जो फीचर है ये बहुत काम का फीचर होने वाला है गाइस। अगर अभी आप व्हाट्सएप एक्सेस करते हो तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिखता है, नो वन, माई कॉन्टैक्ट्स और एवरीवन। तो गाइस अभी ये जो फीचर आने वाला है इसमें आपको एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट्स को आप चूज कर लोगे जिनको आपका लास्ट सीन ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये प्राइवेसी को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है व्हाट्सएप की। सो ओवरऑल बहुत ही काम का फीचर है ये। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है कॉन्टैक्ट कार्ड। अब ये कॉन्टैक्ट कार्ड क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर आप व्हाट्सएप में किसी थर्ड पार्टी या मैं बोलूँ किसी अनदर कॉन्टैक्ट के आप उसके प्रोफाइल पे टच करते हो तो आपको क्या दिखता है, फोटोज खुल जाती है, नीचे उसका नाम दिखता है। लेकिन अभी जो नया कॉन्टैक्ट कार्ड का जो फीचर आने वाला है इसमें जैसे आप उस पर टच करोगे उसका नाम दिखेगा, उसके बाद फोटो दिखेगा। बेसिकली UI को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, और व्हाट्सएप यूज़ करने में आपको अब और ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि UI जब चेंज होता है ना तो बहुत चीज़ें उसके साथ चेंज होकर आती है जो कि गुड है। नेक्स्ट फीचर है व्हाट्सएप इंश्योरेंस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब आप व्हाट्सएप से इंश्योरेंस खरीद पाओगे, और साथ ही साथ माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट पे भी काम किया जा रहा है, और जल्दी इसको इंडिया में देखा जा सकता है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और साथ ही साथ गाइज ये छोटू सा वीडियो आपको कैसा लगा व्हाट्सएप पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नया सेगमेंट है और जल्दी हम इस तरह के वीडियोज और करेंगे अगर आप कमेंट करके बताते हो हमें ये वीडियो कैसा लगा। तो